गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे 9:30 और भाई मैं 4:30 पहुंच गया था। 4:30 बस स्टैंड पहुंच गया था और घर आते आते 5 बज गए थे। उसके बाद भाई मैं सो गया और फाइनली अभी उठा हूँ। 9:30 बज रहे हैं। 4 घंटे ऐसी नींद आई है ना, तो चलो फाइनली अभी मैं राजस्थान में हूँ। और भाई सभी को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का फेस्टिवल है और आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, सभी को भाई हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो चलो अब पहले उठते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, चाय पीते हैं, नहाते हैं। उसके बाद भाई मार्केट भी जाना है, थोड़ा दिवाली का सामान लेके आते हैं जाके। शाम को पूजा करनी है फिर। गाइज इतनी अच्छी धूप निकल रही है ना, मैं तो छत पे आ गया था चाय लेके, और इतनी प्यारी धूप निकल रही है ना यार, मन कर रहा है फोल्डिंग डाल के ना यहीं पे 2-3 घंटे और लेटा रहूं बस। बट नहीं यार, काम बहुत है। तो चलो भाई अब चाय खत्म करते हैं और उसके बाद नहाता हूँ, फिर जाना है बाजार, थोड़ा पूजा वूजा का सामान लेके आना है, डेकोरेशन का सामान लेके आना है, और उसके बाद देखते हैं। बाकी एक बार फिर से भाई सभी को हैप्पी दिवाली। आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को हैप्पी दिवाली भाई मेरी तरफ से। तो गाइज नहा धो के रेडी हो गया हूँ और निकल गया हूँ बाजार के लिए। और दादी ने पकड़ा दिया भाई एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो सामान लेके आना है, और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मेरे को बड़ा ओड सा फील होता है। मैं जब भी राजस्थान आता हूँ ना भाई, मैं घर में ही रहता हूँ, मैं बाजार जाता ही नहीं हूँ। और सच्ची पूछो ना, मुझे पता है कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है। उन्होंने मेरे को कम से कम 10-12 चीज़ों का लिस्ट बना के दे दी, ये लेके आना है, और मेरे को कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो भाई मेरे लिए तो बड़ा ही चैलेंजिंग है, बट एनीवे ढूंढ के लाएंगे भाई, बोला है तो। और क्योंकि आज दिवाली भी है तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। और गांव की गलियां देखो भाई एक बार, सुकून है यार गांव में। वैसे कुछ भी बोलो भाई, लाइफ और सुकून है तो गांव में, शहरों में नहीं है ये। शहरों में तो होच पोच, बस सुबह उठ जाओ, किच किच बाजी, ऑफिस चले जाओ, वापस आ जाओ, सो जाओ, बस यही कुछ है भाई। अगर हेल्दी लाइफ चाहिए ना तो गांव बेस्ट है। सो फाइनली गाइस सारा सामान ले लिया। और ये देखो भाई, अगर दिखता है तो इसमें, और थैला बहुत भारी हो गया है यार। सारा सामान समहाउ बस मिल ही गया, और मार्केट में इतना रश है बस पूछो मत। तो बस निकल गया हूँ घर की तरफ, और धूप हो रही है तेज। अब थोड़ी तेज लगने लगी है धूप, सुबह अच्छी लग रही थी, अब थोड़ी सी चुभ रही है यार। ऊपर से मैंने एक्चुअली पहना भी ट्रैक सूट है ना, तो ये फ्लीस का है, तो इसमें वैसे भी थोड़ी सी गर्मी लगेगी लगेगी। चलो भाई घर की तरफ निकलते हैं पहले, और उसके बाद सामान एक बार दादी को चेक करवा दूँगा, कोई कमी पेशी होगी तो देखेंगे फिर बाद में। और एक चीज़ दिखाऊँ भाई आपको, ये देखो, ये हमारे गांव का ना राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, एनिमल हॉस्पिटल है भाई ये हमारे गांव का सरकारी। गाइस एक नुकसान हो गया भाई, 600-700 रुपये का नुकसान हो गया। दिखाता हूँ आपको एक सेकंड, ये देखो, ये मेरा वाईफाई रोपटर है सी, और ये इसका यूएसबी जैक। और हुआ क्या भाई, ये वाईफाई रोपटर ना लैपटॉप में ही लगा हुआ था, और लैपटॉप को मैंने डाला बैग में, और उस लैपटॉप के ऊपर भाई मैंने कपड़े रख दिए थे अपने सारे, और उसके बीच में ये अडोप्टर दब गया, और इसका जो जैक है ना वो
टूट गया सारा और टेढ़ा हो गया, नुकसान हो गया 600 रुपये का। ये मैंने अभी 600 रुपये का मंगवाया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था इसको, अमेजोन से मंगवाया था मैंने, और अभी एक और मंगवाना पड़ेगा। तो गाइस नुकसान हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, गलती अपनी है भाई, इसको निकाल के मेरे को रखना चाहिए था साइड में। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा मंगवाएंगे और क्या होगा। 7:30 बज रहे हैं शाम के और पूजा का वक्त हो चुका है, और पूजा की थाली भाई अपनी सज चुकी है, दीवे जलाने हैं और पूजा करनी है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे दादी पूजा की तैयारी कर रही है भाई, और दादाजी भी बस बैठे ही हैं, अभी नहीं पल्ली के ले तो और यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। अभी मत ले, बंद कर मेरी तो ना ले। हाँ मेरी मतलब सो गाइस दादी थोड़ी अनकंफर्टेबल होके चली गई हैं उठ के। तो बस 10-15 मिनट और उसके बाद भाई पूजा पाठ करके ऊपर छत पे हम मोमबत्तियाँ जलाएंगे, और उसके बाद हैप्पी दिवाली। और भाई गली में मैंने देखा अभी तक किसी के घर के आगे ना दीवे और मोमबत्ती अभी जली नहीं है, किसी ने करी नहीं है पूजा। आई थिंक बस यही टाइम है, और 10-15 मिनट में कर लेंगे सारे। तो चलो मैं आपको पूजा के बाद ही मिलता हूँ सीधा। फाइनली पूजा अपनी हो गई और अब टाइम है दीवे और मोमबत्तियाँ रखने का। दीवे तो मैंने नीचे नीचे लगा दिए, और छत पे भाई मोमबत्ती रखेंगे। तो चलो एक एक करके मोमबत्ती रखते हैं सारी, और मेरे पास यहाँ पे थाली है भाई मोमबत्ती की, तो वन बाय वन इनको लगाते हैं भाई यहाँ पे यूं करके। एक रखते हैं इस कॉर्नर पे। सो गाइस अपनी मोमबत्तियाँ लगी सारी, और मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। एक तो इस छत पे लगी है वहाँ पे सारी, और एक यहाँ पे लगी है भाई। ये बीच में ग्रिलिंग है ना, तो उसकी वजह से लगा नहीं सके, और जहाँ जहाँ पे इस पे वॉल का सपोर्ट है वहाँ वहाँ लगाई है मैंने, तो 4-5 यहाँ पे लगी है। बाकी दीवे लगे हुए हैं, एक वहाँ पे लगाया है, एक इधर बिल्कुल जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है वहाँ पे तुलसी के आगे लगा हुआ है। तो चलो गाइस अपनी मोमबत्तियाँ वाला काम हो गया, और अब कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भाई ये भूख भी लगी है ना, और उसके बाद बाहर चलते हैं। देखो बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं भाई, तो उनके साथ एंजॉय करते हैं थोड़ी सी देर। तो गाइस अब टाइम हो गया है खाने का, और खाना अपना आ चुका है, अब लग गई है भूख बहुत तेज। अब भाई अब खाना खाते हैं पहले, और खाने में अपने पास क्या क्या है भाई। खाने में है गुलाब जामुन, चावल, और ये दाल, आलू की सब्जी, पूड़ी और लड्डू। तो भाई खाने में ये कुछ है, तो भूख लग गई है बहुत तेज, और अब खाना खाने का टाइम है। सो चलो भाई पहले खाना फिनिश करते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। हाँ क्यों गो? खोल दो। अच्छा दम खोल गए, क्या दिखा मेरे से तो खुल गया फिर। गाइस ये देखो, ये इसको कैसे खोलूँ मैं, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया उसने मेरे को। हाँ और यहाँ पे बच्चे पटाखे लगा रहे हैं गाइस, देखो।
गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दादाजी मोदी के इतने बड़े फैन हैं परिवार ना, से इतने बड़े दूर फैन हैं ना, आपको एक चीज दिखाता हूँ। मोदी की सीमा स्पीच पर सुनने के तैनात लिए टीवी रहना के कितने पास खड़े हुए हैं, एक कि सेकंड दिखाता आप हूँ आपको। अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की ये आपको पराकाष्ठा है, क्योंकि मतलब आप वो टीवी और जानते यहाँ हैं पे खड़े हुए हैं और 140 करोड़ मोदी को बिल्कुल पास देशवासियों से देख रहे हैं, बिल्कुल पास से, का ये जितना बड़ा पास हो सके। परिवार भी बहुत बड़े फैन है भाई मोदी आपका के, भाई मोदी का फैन तो नहीं, दीपावली पर सारे फैन है मोदी के, तो हम भी फैन ही है भाई। हर घर में खाना बना हो चुका है और आपकी सलामती लैपटॉप के लेके बैठ लिए गया हूँ भी भाई कुछ काम करने के लिए। चलता है, इसलिए हर पूजा में। सो भाई फाइनली अपना खाना हो चुका है, पेट भर गया अपना, फुल हो गया और दिन भी निकल गया और दिवाली की शाम भी निकल गई, तो मैंने तो भाई एंजॉय किया पूरा। आई होप कि आपकी भी दिवाली अच्छी रही होगी और आने वाली हर दिवाली भाई बहुत अच्छी रहे, हेल्दी वेल्दी, और भगवान हर एक विश पूरी करे, सबकी विश पूरी करे, मेरी आपकी आपकी फैमिली की, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी विशेज पूरी करे हमेशा। तो चलो इस ब्लॉग को ही भाई यहीं पे एंड करते हैं, अब ज़्यादा लंबा करना नहीं है, और जो भी बनाया जैसा भी बनाया भाई देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ 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 कर लो, ग्रो करना है चैनल। चलो तो भाई वंस अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।